नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 30 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अति हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जाएगा सरस्वती पूजा। हमारे सभी व्यूअर्स को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा अर्चना बिहार के कई जगहों पर आज अति हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने मां सरस्वती की पूजा 29 जनवरी को ही सूर्योदय के एक पहर बाद मना लिया था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह आज उदय तिथि के साथ बसंत पंचमी का यह त्यौहार मनाएंगे। वहीं बूढ़ानाथ के पंडित की माने तो पूजा का शुभ मुहूर्त मिथिला और काशी पंचांग में 30 जनवरी का ही माना गया है। 17 फरवरी को सभी नियोजित शिक्षक सरकार को देंगे चुनौती। एक बार फिर से बिहार की सभी नियोजित शिक्षकों ने सड़क पर उतरने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत इस चुनावी साल में सभी नियोजित शिक्षकों ने सरकार को घेरने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब सभी नियोजित शिक्षक पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान समेत कई मांगों को लेकर 17 फरवरी को अनिश्चित समय के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं, जिसका फैसला बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक में लिया गया है। अति पिछड़े समाज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश की सौगात। इस चुनावी साल में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को खुश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़ों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अति पिछड़ों को लघु उद्योग के लिए 10 लाख की अनुदान राशि देने का फैसला सुनाया है। और यह राशि सभी अति पिछड़े समाज के लोग जो अनुसूचित जनजाति की तर्ज पर दिया जाएगा, जिसके तहत सरकार ने कुल मिलाकर 102 करोड़ की राशि आवंटित की है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद बिहार के 4 सेंटरों पर रद्द हुई एसटीईटी की परीक्षा। बड़े बदलाव के बाद 28 जनवरी को एसटीईटी 2019 परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारियां की गई थी, मगर कुछ छात्रों की वजह से बिहार के लगभग 4 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा और गोपालगंज का सेंटर का नाम शामिल है। हालांकि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने अब इन परीक्षाओं का दोबारा आयोजन फरवरी के अंत में करवाने का आदेश सुनाया है, मगर अभी तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए लॉन्च हुआ नया ऐप। बोर्ड परीक्षा शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड, परीक्षा में हुए बदलाव समेत तमाम जानकारियों पर नजर रहती है। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिन्हें परीक्षा से संबंधित कोई सवाल पूछना होता है, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि वो सवाल पूछे तो किससे। मगर अब सभी परीक्षार्थियों को इन सब बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में सभी परीक्षार्थियों के लिए बीएसईबी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जहां पर परीक्षार्थी अपने हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। महाबोधि मंदिर की साज सज्जा बन गई है पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। जो भी पर्यटक गया पहुंचकर महाबोधि मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, वो वहां की साज सज्जा का कायल जरूर होते हैं। पर्यटकों की माने तो विश्व शांति के तहत 31वीं निगमा मोनलम पूजा को ध्यान में रखकर की गई साज सज्जा बेहद ही खूबसूरत है। महाबोधि मंदिर के दक्षिण पूर्व की ओर कपड़े से बना धर्म चक्र आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें, यह निगमा मोनलम पूजा का संचालन निगमा मोनलम इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष खोचिम रिनपोचे द्वारा किया जा रहा है। पिरोखर की मुखिया बढ़ा रही मधुबनी का मान। कृषि और जैविक खाद्य निर्माण क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर अपने पंचायत समेत पूरे मधुबनी जिले का नाम रोशन कर रही है, जिसके तहत पिरोखा पंचायत की मुखिया मंदाकिनी को हाल ही में राजधानी दिल्ली में इंडियन वुमेन एक्सीलेंस लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार की मंदाकिनी को यह अवार्ड केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं रमेश पोखरियाल के हाथों सौंपा गया है। आज भी कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। ठंड से राहत मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। ठंड और कोहरे का असर जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही बारिश ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 28 जनवरी की रात को राजधानी पटना समेत कुछ जिलों में बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज भी कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। इतना ही नहीं, बादल छाए रहने के कारण कनकनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पटना मेट्रो के काम की गति में होगी बढ़ोतरी। पटना वासियों को मेट्रो का इंतजार बेसब्री से है। ऐसे में बस पटना में रहने वालों की एक ही इच्छा है कि कब मेट्रो बने और कब लोग मेट्रो के जरिए परिचालन कर सके। हालांकि मेट्रो आने में अभी समय है, मगर मेट्रो के काम की गति को और तेज करने के फैसले पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत मेट्रो निर्माण के काम में तैयार तकनीकी सेल की मदद से 15 फरवरी से काम को और तेजी से बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, उक्त बातें नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कही है। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की। गणित की दुनिया के महारथी माने जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के वसंतपुर गांव में 2 अप्रैल 1942 में हुआ था। वहीं उन्होंने भोजपुर जिला के नेतरहाट में मैट्रिक की पढ़ाई की। वहीं पटना विश्वविद्यालय से अपने स्नातक का कोर्स खत्म किया। हालांकि अपनी पढ़ाई के बाद वो विदेश चले गए, जहां से उन्होंने अपने पीएचडी की पढ़ाई खत्म की। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ समय तक नासा में भी काम किया। वशिष्ठ नारायण सिंह चर्चा का पात्र तब बने जब उन्होंने आइंस्टाइन के सिद्धांतों को चुनौती दी थी, जिसको देखते हुए सरकार ने उन्हें हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया है।
पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। इस स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने एवं मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद यह धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए भारत बंद का असर दिखा बिहार के कुछ जगहों पर। सभी वामपंथी दल द्वारा बुलाए गए केंद्र सरकार के सीएए और एनआरसी को लागू करने के फैसले के विरोध में भारत बंद का असर कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिला। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो यहां पर जाप ने अपनी तरफ से बुलाए गए बंद को लीड किया, जहां जाप प्रमुख पप्पू यादव खुद भी इस बंद का हिस्सा बने। हालांकि कुछ जगहों को छोड़ दें तो राजधानी पटना में सुबह से बंद का असर कुछ खास देखने को नहीं मिला। राजद के पोस्टर के जवाब में जदयू का आया नया पोस्टर। बिहार की राजनीति में इस चुनावी साल में पोस्टरों का खेल बड़ी ही संजीदगी के साथ खेला जा रहा है, जिसमें दो अहम खिलाड़ी जदयू और राजद आए दिन एक दूसरे को राजनीतिक मैदान में अपने पोस्टर के जरिए चुनौती देते रहते हैं। इसी क्रम में राजद के अंधेर नगरी वाले पोस्टर के जवाब में अब जदयू ने भी अपना नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें एक कविता के जरिए जदयू ने राजद पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, यह उस समय की बात है। उप मुख्यमंत्री ने की स्वयं सहायता समूह को 7% ब्याज पर कर्ज देने की मांग। हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साल 2020 के बजट को ध्यान में रखते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता के लिए बजट में जीविका के तहत चलने वाली स्वयं सहायता समूह की कर्ज सीमा को 1 से 5 लाख तक को बढ़ाकर 10 लाख तक करने की अपील की है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह को 7% ब्याज पर कर्ज देने की मांग भी अपने लिखे पत्र में की है। मुख्यमंत्री नीतीश और अमित शाह 2 फरवरी को एक साथ करेंगे मंच साझा। बड़े समय के बाद भाजपा और जदयू के 2 वरिष्ठ नेता एक साथ मंच साझा करने जा रहे हैं, और यह मंच होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आयोजित होने वाले प्रचार प्रसार का, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृहमंत्री अमित शाह बुरारी विधानसभा सीट में एक साथ एक ही मंच से चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जिसकी जानकारी जदयू नेता संजय झा ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। तेज प्रताप यादव ने मंगल पांडे पर की टिप्पणी, चीन से निकले कोरोना के बिहार में भी दस्तक देने की बस अभी आशंका जताई गई है, मगर इस पर राजनीति स्वाभाविक तौर पर हो रही है। इसी क्रम में कोरोना के नाम पर तेज प्रताप यादव ने सरकार पर टिप्पणी की है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तेज प्रताप यादव ने मंगल पांडे पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि कोरोना चीन से निकलकर बिहार पहुंच चुका है, मगर बिहार की सरकार को इसका कुछ अता पता नहीं है। लगता है पेट की किसी समस्या से जूझ रहे मंत्री जी, अब बिहार की जनता भगवान के ही हवाले है। जदयू समाज सुधार वाहिनी ने जिला अध्यक्षों की जारी की सूची। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू हर स्तर पर अपनी रणनीतियों पर जोर शोर से काम कर रहा है, जिसके तहत हाल ही में जदयू के समाज सुधार वाहिनी ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। आपको बता दें कुल मिलाकर 51 जिला अध्यक्षों की सूची तैयार की गई है। भारत बंद के दौरान सड़क पर बैठे दिखे कुशवाहा। सीएए और एनआरसी के खिलाफ वामपंथी दलों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में बिहार के वामपंथी दलों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके तहत सुबह बिहार में बंद को लीड जाप प्रमुख पप्पू यादव ने किया था। वहीं बाद में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी सड़क पर बैठे नजर आए, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर बयानबाजी भी की, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम देश को बंटने नहीं देंगे, देश बांटने की सरकार की हर कोशिश को हम नाकाम कर देंगे। हेमंत सोरेन के विभागों का हुआ बंटवारा। झारखंड में नई सरकार बनते ही हेमंत सोरेन अपने सभी अधिकारियों को काम सौंपने और समझाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सरकार को सही ढंग से चलाने के लिए हाल ही में हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, साथ ही विभागों के बंटवारे का काम भी पूरा कर लिया है, जिसके तहत जेएमएम के विधायक जोबा मांझी को महिला समाज कल्याण का विभाग सौंपा गया है। वहीं मिथिलेश ठाकुर को पेयजल आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को दी एक और नसीहत। वर्तमान में जदयू के अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच की गहमा गहमी किसी से अब छिपी नहीं है। जहां एक ओर प्रशांत किशोर आए दिन सरकार के फैसले पर सवाल उठाते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रशांत किशोर पर सख्ती दिखाते हुए यह कह दिया है कि अगर आपको पार्टी में रहना है तो रहिए, वरना आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको रहना है तो पहले पार्टी के बुनियादी ढांचे को स्वीकार करना सीखें। बीसीसीआई ने किया साफ, कहा एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। सितंबर में होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को करनी है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक बोर्ड अधिकारी ने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी अगले वर्ष भारत में होने वाले T20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगा। इस पर बीसीसीआई ने प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। हालांकि बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी करे उससे भारत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच सभी तटस्थ स्थल पर होने चाहिए।
अब आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में। आज हम बात करेंगे इस्तेमाल किए गए टी बैग के बारे में। अक्सर हम टी बैग का इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर आपको इस्तेमाल किए हुए टी बैग के फायदे के बारे में पता चलेगा तो आगे से आप भी टी बैग को सोच समझ कर फेंकेंगे। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, मगर टी बैग के इस्तेमाल से फ्रिज से महक हटाया जा सकता है, जिसके लिए इस्तेमाल किए गए टी बैग को एक कोने में रख देने से महक दूर हो जाती है। इसके साथ ही इन टी बैग का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने, मुंह से छाले को खत्म करने में भी बेहद कारगर साबित होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से की अपील। इस चुनावी साल में जदयू पार्टी के सभी प्रभारियों के साथ आयोजित पहली बैठक का सफलतापूर्वक समापन हो गया है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों से सरकार के कामकाज पर नजर रखने की अपील की है। साथ ही साथ अधिकारियों से फीडबैक भी मांगा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी वर्तमान की परिस्थितियों पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि समाज में अभी जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है वो दुखद है, इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। सलमान के गोवा आने पर रोक लगाना चाहती है भाजपा और NSUI। हाल ही में सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसको देखकर सभी फैंस का गुस्सा भी सलमान खान पर देखने को मिल रहा है। दरअसल हाल ही में सलमान खान को गोवा के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जहां पर एक फैन द्वारा वीडियो बनाए जाने पर सलमान द्वारा उनके हाथ से फोन लिए जाने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से ट्विटर पर लोग अलग अलग अंदाज में सलमान को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। वहीं सलमान के इस रवैये पर भाजपा और NSUI ने भी उन्हें गोवा में ना एंट्री देने की मांग की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए तीसरे T20 मैच में भारत को मिली शानदार जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए तीसरे T20 मैच में जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करके 179 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा था, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 179 रन बना करके इस मैच को ड्रॉ कर दिया, जिसके बाद सुपर ओवर का आयोजन किया गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 17 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में भारतीय टीम के रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 6 गेंदों में 20 रन बनाकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलवाई है। इसके साथ ही 3-0 के साथ भारत ने यह सीरीज अपने नाम दर्ज कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, वामपंथी दलों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर आपको कितना देखने को मिला? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।